लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, पेज नंबर 129, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज. कह रहा हाउ मच मोमेंटम ऑफ अ डंबल ऑफ मास 100 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. ओके, टेक द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सुनो बच्चों, ध्यान से समझो, एक डंबल है, डंबल समझते हैं ना, जैसे आप ऐसा ये मसल्स अपनी बनाते हो, ठीक है ना. तो ये डंबल बच्चों कहीं ऊपर रखा हुआ था, ठीक, और ये ऊपर रखा हुआ था. मान लीजिए ये एक ऐसी टेबल थी, बात समझिए जरा, ये ऐसी टेबल थी बच्चों, और ये रखा था बच्चों फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. हाँ, ये 80 सेंटीमीटर अपनी स्केल से देख लीजिए, आपकी स्केल कितनी, वहाँ से 80 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए. तो 80 सेंटीमीटर की हाइट से गलती से गिर गया, ऐसे लुढ़क गया और गिर गया. देखने कैसे गिरेगा, ए ये गिरा, ठीक. तो जब ये डंबल ऐसे गिरा, तो ध्यान से बच्चों जरा चेक करो, जब ये डंबल गिरेगा, तो ध्यान से चेक करो, ये जब डंबल गिरेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कहाँ, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, परेशान ना हो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड. कहाँ, इक्वेटर्स पे, और पोल्स पे क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि डंबल कहाँ गिरा है, पोल पे, क्योंकि इन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है. बोला तो नहीं इन्होंने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बोला टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि जरूर ये डंबल पोल्स पे रखा है. जिम कहाँ है, पोल पे, अर्थ के पोल पे कहीं पे, वहाँ पे जी की वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बहरहाल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में. यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बस इन्होंने बोला है तो हमने ले लिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ले लिया. चलिए कोई बात नहीं है, ले लिया. अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम आपको डायग्राम बनाएं, ध्यान से चेक करिए, ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है. और ये देखिए टेबल है, ठीक है, इस तरीके से एक टेबल है, मान लो यार टेबल है, क्या करें इसका, ठीक है, ये टेबल है इस तरीके से, ठीक, चलो. और ये डंबल ऐसे रखा हुआ था, ठीक, ये डंबल ऐसे रखा, ये गिरेगा जब यहाँ, तो ये वाली हाइट कितनी है बताइए, ये कितनी हाइट है, चेक करिए, ये कितनी हाइट है, 80 सेंटीमीटर. लेकिन आपको पता है सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो आप इसको किस में चेंज कर लोगे, मीटर में कर लीजिए, फटाफट मीटर में कर लीजिए. तो बच्चों कितना आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करोगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीटर में आ जाएगा. अरे भाई 80 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ये वाला, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है. ये कट गया यहाँ से, कितना आ गया, 0.8 मीटर. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये बॉडी ऐसे गिरी है, कौन, डंबल, यहाँ पर रख देते हैं, ये देखिए डंबल ऐसे गिरा है. बच्चों डंबल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.8 मीटर. डिस्टेंस को कौन से लेटर से दिखाते हो, एस से, यानी कि एस कितना है, 0.8 मीटर, ये डिस्टेंस डंबल ने ट्रेवल किया. आप मुझे ये बताइए बच्चों, जब डंबल ऐसे नीचे गिर रहा होगा तो डंबल एक्सलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोचिए जरा, सोचिए, जस्ट जब डंबल टकराने वाला होगा ग्राउंड से, सोचिए सोचिए, जस्ट जब डंबल टकराने वाला होगा तो डंबल में क्या होगा, मोमेंटम. डंबल में मोमेंटम नहीं होगा, क्यों सर, डंबल का कुछ ना कुछ तो मास होगा, क्या दिया हुआ है आपको, यस सर दिया हुआ है, मास ऑफ 10 किलोग्राम. इस डंबल का मास कितना है, 10 किलोग्राम, करेक्ट बच्चों. तो जब तक तो ये टेबल पे रखा था डंबल, तब तक तो इस पे मोमेंटम नहीं था, क्यों नहीं था सर, इसका मोमेंटम जीरो था, क्यों, क्योंकि क्योंकि मास तो था पर वेलोसिटी नहीं थी. लेकिन जैसे ये डंबल यहां से ऐसा गिरना शुरू करेगा, एक्सेलरेट होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. यानी कि जब ये ग्राउंड पे जस्ट टकराने वाला होगा बच्चों, तो क्या इसके पास एक मोमेंटम नहीं होगा, होगा. तो ये वाली सिचुएशन के बारे में सोचिए, जब डंबल जस्ट टकराने वाला होगा, यहां कहीं होगा डंबल जस्ट टकराने वाला होगा, तो आप जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी निकाल लीजिए इस डंबल की, वेलोसिटी ऑफ द डंबल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ये वेलोसिटी अगर आप निकालने में कामयाब हो गए, तो डंबल का मास आपको पता है, वेलोसिटी पता चल जाएगी, कौन सी वाली, वो वाली वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से डंबल जस्ट टकराएगा ग्राउंड से. तो मास इंटू वेलोसिटी से डंबल का क्या निकाल लोगे, मोमेंटम. और जितना मोमेंटम होगा डंबल के पास, उतना ही मोमेंटम ये डंबल किसको ट्रांसफर कर देगा बताइए, फर्श को, फ्लोर को. क्यों सर, क्योंकि डंबल गिरते ही नीचे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो. मान लीजिए कि गिरते ही उसकी वेलोसिटी थोड़ा इधर उधर नहीं उछलता कूदता है, वो रबड़ का, रबड़ वाला थोड़ा सा डंबल, रबड़ वाले नहीं आते हैं, जाते ही नीचे स्टिक हो जाते हैं. तो रबड़ वाला डंबल है, जाते ही नीचे ऐसा गिरता है और तुरंत उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो. तो अपना सारा मोमेंटम कहाँ ट्रांसफर कर देगा, फर्श को, फ्लोर को. तो सर ये मोमेंटम कैसे ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. यानी कि डंबल ने अपना मास ट्रांसफर कर देगा क्या अर्थ को, क्या डंबल से मास निकल के अर्थ में चला जाएगा, फ्लोर में ना,
तो क्या ट्रांसफर कर दिया? वेलोसिटी। डंबल अपनी वेलोसिटी किसको ट्रांसफर कर देगा? फ्लोर को। याद रखिएगा, तो डंबल ने मोमेंटम ट्रांसफर किया किसको? फ्लोर को। किस फॉर्म में किया? वेलोसिटी के फॉर्म में। तो क्या फ्लोर चलने लगेगी, फ्लोर नीचे धस जाएगी? नहीं, फ्लोर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे उस वेलोसिटी से? ऐसा वाइब्रेट करेंगे इधर उधर। कभी कभी आप देखते हो डंबल से फर्श भी टूट जाती, क्यों? मोमेंटम की वजह से, कि उसके मॉलिक्यूल्स को जो मोमेंटम मिलता है यानी कि वेलोसिटी मिलती, किसके मॉलिक्यूल्स को? फ्लोर के मॉलिक्यूल को। तो वो चलना चाहते हैं, मोशन करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हिल जाते हैं। बहरहाल आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, ये तो हमने आपको बस फील कराया थोड़ा सा। कह रहा, हाउ मच मोमेंटम विल बी अ डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बच्चों एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि जस्ट जब ये टकराने वाला होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको पता करना है। ठीक, अब एक बात बताओ, जब डंबल यहाँ से गिरेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे? जीरो। कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेते हैं? जीरो। आप खुद देखो ना, ये डंबल अभी यहाँ से गिरेगा, जस्ट जब गिरने वाला था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, यानी कि यू कितना है? जीरो। और टकराएगा कितने से? वी से। और यही वी अगर आप निकाल लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। अब कैसे निकालें? यू पता है, वी निकालना है, एस पता है, ए पता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए, v बराबर u प्लस at। क्या लगाओगे? नो, कोई टाइम वाइम की बात नहीं करी यहाँ तो टाइम में। नेक्स्ट है आपके पास s इज इक्वल्स टू ut टी प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या लगाओगे? नहीं, यहाँ v नहीं आपका, टाइम है, टाइम भी हमारे पास नहीं गिवन है। क्या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे? यस सर, यहाँ से v आपका आ जाएगा। तो चलिए देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर, u कितना है बताइए? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर और प्लस टू इंटू ए इंटू ए, कितना है बेटा बताओ जरा, ए कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो टू इंटू ए, ए की जगह कितना रखेंगे? 10, और एस की जगह कितना रखेंगे? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मीटर्स में रखना? 0.8। तो 10 इंटू 0.8, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आएगा, जीरो जीरो कट गया, 2 8 16। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16। जीरो स्क्वायर प्लस 16 कितना? जीरो स्क्वायर जीरो प्लस 16। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, 16 का स्क्वायर रूट लोगे, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए? यानी कि कितने वेलोसिटी से टकराएगा? 4 मीटर पर सेकेंड से। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा? डंबल का मास इंटू डंबल की वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है डंबल का। अरे भाई, डंबल के पास जितना मोमेंटम होगा उतना ही तो ट्रांसफर करेगा, है ना? तो मास कितना है डंबल का? 10 किलोग्राम। और वेलोसिटी कितनी डंबल की चेक करिए, निकाला है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फील कर लो, जब ये मोमेंटम इस फ्लोर पर ट्रांसफर होगा तो क्या ट्रांसफर हो गया? वेलोसिटी। किसने? डंबल ने अपनी वेलोसिटी सारी की सारी किसको दे दी? फ्लोर को। तो फ्लोर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे बस, और ज़्यादा अगर कमज़ोर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, उनके बॉन्ड आपस में कमज़ोर होंगे तो थोड़ी सी फर्श टूट भी सकती है, ठीक है ना? ओके, तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम विच विल बी ट्रांसफर बाय द डंबल व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द फ्लोर। ओके,